हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और काफ़ी दिनों के बाद आरबीआई में लेटरल रिक्रूटमेंट हो रहा है, यानी कि एट हायर लेवल जहां पर एक्सपीरियंस लगता है, ग्रेड सी यानी कि एजीएम लेवल पे और ग्रेड डी यानी कि डीजीएम लेवल पे। लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। कुछ साल पहले मुझे याद है 4-5 साल पहले इस टाइप की रिक्रूटमेंट आई थी, लेकिन वो परमानेंट बेसिस पे थी। तो ये मिनिमम 3 साल है, मैक्सिमम 5 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। और ये बात अच्छी है कि सैलरी जो है वो बहुत हाई है। इससे आपको पता चलेगा कि आरबीआई में जाने के बाद जब आप ग्रेड सी बन जाओगे तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, जब ग्रेड डी बन जाओगे तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। हम आज की बात कर रहे हैं, आप जाने के बाद 10 साल के बाद जब 12 साल के बाद ग्रेड डी बनोगे उस टाइम तो अलग होगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मॉर्निंग में ही मैंने न्यूज़ देखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, लेकिन फिर बाद में मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने के लिए। तो ये देखिए, और मोस्टली ना मैं स्टूडेंट को काफ़ी बार बोल रहा हूँ कि आप ना डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड कुछ ना कुछ कर लीजिए, आगे जाके बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। इसके बारे में मैंने कम से कम 4-5 वीडियो बनाए हैं पिछले 1 साल में, ठीक है। देखो मतलब ये कॉन्ट्रेक्चुअल करके आप ना ऐसी अपॉर्चुनिटी मत छोड़ो। अगर आपके कोई भाई बहन है या आपके कोई फ्रेंड्स है उनको बता दीजिए, क्योंकि अभी मैं पिछले 10 साल से इस फील्ड में हूँ और काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट हैं वो इस फील्ड में काम भी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई बैंक, आई थिंक यूनियन बैंक में कोई था, SBI में था, SBI ने भी इसका रिक्रूटमेंट किया है, डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा भी किया है। तो आप फ्यूचर में ये देख सकते हैं कि अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो आप जो प्राइवेट में कहीं पे भी जॉब करना चालू कर दे। देखो, घर पे बैठ के ना कंटिन्यूस प्रिपरेशन करना ये अच्छी बात नहीं है। 1-2 साल ठीक है, लेकिन उसके बाद आप जॉब करना चालू कर दीजिए एंड साइमल्टेनियसली एग्ज़ाम देते रहिए। देखो, बहुत अच्छे तरीके का रिक्रूटमेंट आया हुआ है, भले ही ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, लेकिन सैलरी अगर आप देखेंगे तो बहुत हाई सैलरी है। और RBI जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का अगर मौका आपको मिलता है तो बाहर जो अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आपको, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। DICGC में भी कुछ यहाँ पर वैकेंसीज है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, और यहाँ पर डिटेल में भी दिया हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा है ग्रेड सी वाली है, कुछ ग्रेड डी वाली भी है, ठीक है। कैटेगरी भी यहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पर क्या किया है कि हर पोजिशन को मिनिमम मैक्सिमम एज कितना ये भी दिया हुआ है, और हर पोस्ट का क्या क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन और कितना एक्सपीरियंस लगने वाला है ये भी दिया है। तो ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं पूरा जो नोटिफिकेशन है वो PDF फाइल पोस्ट कर देता हूँ, आप उसमें देख लीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं या आपके कोई रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप अपने सर्कल में भेज दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। सिर्फ इंटरव्यू होने वाला है, अगर आप इसके लिए ये एलिजिबिलिटी कंडीशन एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस के लिए क्वालिफाई करते हो तो। तो बस यही एक इन्फॉर्मेशन था, मुझे देना था, थोड़ा लेट हो गया है, अभी रात के 12 बज रहे मैंने वीडियो बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि मतलब अलग अलग फील्ड में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, रेगुलेटरी बॉडी में, बैंक्स में क्या हो रहा है, यानी कि आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ अभी से सोच सके। अदरवाइज़ मैंने देखा है कि लोग 5-9 साल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में मतलब डाल रहे हैं। इतना देना आपका जो एज है, यंग एज है, एनर्जी है, इतना वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। 1-2 साल कीजिए, बाद में आप साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड जॉब करते करते प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।